सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हालचाल सब लोगों के। वेलकम बैक टू द चैनल इन अ होल न्यू वीडियो ऑफ खुदाई बनाई। अबे हाथ ऊपर भी करना होता है। तो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, क्या किया था हमने लास्ट वीडियो में, याद ही नहीं हमें। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने अपना वो जो था तो अपना बेसमेंट बनाया था। हाँ, बेसमेंट बनाया था। और मैंने लास्ट में कहा था कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूंगा, और मैंने ऐसा कर दिया भाई। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं, एकदम प्लेन किया है पूरे हिस्से को। हाँ, ये कुछ गड्ढे वड्ढे रह गए ना, भरेंगे। ये भी रह गया, ऐसे भी भरेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ कोयला वोयला मिला था, ऊपर ही ऊपर मिल गया था, तो हमने सोचा बाद में ही तोड़ते हैं इसको। तो फिलहाल इसको तोड़ते जल्दी से। और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग करने वाले हैं जो हमारे जो एनिमल फार्म है, मतलब जो इनके रहने की जगह है। अब है इसकी। और भाई मैंने जो है अपने विलेजर से ये एन्चेंटेड वाली बॉल ले लिया, जिसमें पावर 2 और एफिशिएंसी 1 लग रही है। और पावर 2 भाई बड़ी खतरनाक है भाई। पहले क्रीपर 2 में 4 में मरता था भाई, या 2 में मर जाता है। पीछे से एक और आया, तू भी खा बे, हेडशॉट खा बेटा, पट्टे से भाई। निशाना तगड़ा है भाई साहब हमारा, ऐसे ही नहीं समझना हमको। यहाँ पर हम लोग जल्दी से सो जाते हैं भाई। उड़ जा प्लीज, दिस इज माई बेड। तुम्हारा नीचे अरेंजमेंट किया हुआ हमने, तुम जाते नहीं यार, गलत बात है तुम्हारी। ये अपना आर्मरर है, नो वाइस वाला, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हट जा हट। अच्छे वाले कहाँ हैं हमारे, ये रहे अच्छे वाले। और गाइज ये देखो भाई, ये क्या क्या एन्चेंटमेंट दे रहा भाई बूट पे। प्रोटेक्शन 3, फेदर फॉलिंग 4, अनब्रेकिंग 4, डीप स्ट्राइडर 2। और उस टाइम ये सस्ते में भी दे रहा था, तो हमने विलेजर से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया ऑफलाइन। ये देखो हमारा ये देखो हमारा पूरा सामान है ट्रेड करने का। और हमने जो है ये सब चीज़ें उनसे ट्रेड करके लिए हैं भाई। बहुतों को मैंने मैक्स किया है, जैसे कि ये सब लाइब्रेरियंस को, और ये तो वही था क्या बोलते हैं उसको, क्लैरिक। ये मैंने वो दे दिए थे जब वो सस्ते में दे रहा था। तो ये हमने चार तरह के हमारे पास एरोज आ गए हैं। ये तो मैंने ट्रेडर जो आता उससे कर लिया था। और ये मेरे पास 2 वुडलैंड के मैप और एक ओशन एक्सप्लोर मैप है, 2 घड़ी हैं, और ये 4 बोटल और एन्चेंटिंग्स हैं, जिसका मुझे पता नहीं क्या होता भाई। एक मैंडिंग, चैनलिंग, फ्लेम, लूटिंग 3, फॉर्चून 2 भाई, ये सब हैं अपने पास। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक एनविल और थोड़े से टूल्स। तो मेरे पास कितना हो गया भाई, वो तो दिखाया ही नहीं। अपने पास 2 स्टैक एमरल्ड है, और हमें थोड़ा सा और बनाना। और ये देखो भाई, दुकान लगा रखी है पूरी बोझ और क्रॉसबो की। भाई इतनी ट्रेडिंग कर रखी है बिना बात। ये यहाँ पर हमने रेड गेजल टेराकोट लिए थे, और दिखाता हूँ मैंने सबको करा है। ये अपना क्लैरिक पूरे भाई, तो मैक्स पे था भाई। ये क्या हुआ भाई, विलेजर मर गया क्या? वो इसको जल्दी से स्टोर करते हैं भाई। 3 स्टैक अपने पास ये भी है यार, ये तो गलत हो गया। और यस गाइस, एक चीज़ और हमको आपको बताते हैं। हमारे पास मतलब 4 घोड़े थे, एक भागा हुआ है और 3 ये रहे। और ये मेरे पास कब से, लेकिन मैंने राइड नहीं कर पाता था यार, सैडल नहीं थी मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लेदर वाले को करा जाए, क्योंकि सैडल भी लेदर की बनती है। और इसे मैंने जैसे ही करा भाई, सैडल दे दी इसके भाई, मज़ा ही आ गया। मेरे पास इतनी सारी सैडल्स हैं, किसी मतलब कमी नहीं है सैडल की भाई। 4 सैडल ये पड़ी, 3 ये रहे, 4 आर्मर ये रहे, और ये रहे सारे बूट्स वगैरह जैसे मैंने एन्चेंट किए थे। और ये भाई अंडों की दुकान लग रही है यहाँ पर। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि ये जो भी भाई किया था भाई, इसमें मैंने बहुत टाइम लग रहा था यार, तो इसलिए मैंने क्रिएटिव मोड यूज़ किया। और क्रिएटिव मोड में भाई मेरे ख्याल से कितनी तो लगती ही है शवल। तो मैं इन सबको डालने जा रहा हूँ भाई लावा में, और ये सब भी मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये सब भी यूज़ हुआ था। और एक किधर, एक और ये एफिशिएंसी 2 वाली एक और। लेट्स गो। सो गाइज, हम लोग लावा तक आ चुके हैं गाइज, और अब इन लोगों का अंतिम वो करना बाकी है बस। जा भाई। और क्या क्या देना है भाई, अभी रुक जाओ, लाना पड़ेगा। इस पर दबा के ऐसे फेंक सकते हैं ना। आ हा हा हा, स्वाहा चल रहा, स्वाहा 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 भाई। तो गाइस, हमने सब चीज़ फेंक दिया भाई। हो सकता है ज़्यादा लगती है, बट कोई नहीं, आगे और देख लेंगे, कभी और यूज़ हुआ तो। चलते हैं फिलहाल के लिए। और गाइस, मैं यहाँ भी जब क्लियर कर रहा था, अरे भैया क्या मिल गया, तो यहाँ पर भी हमको कोल मिला था, तो इसे भी तोड़ लेते हैं। इतने ऊपर भी कोल होता है यार, मेरे को पता नहीं था बिल्कुल भी, मतलब इतने ऊपर मिल सकता है। और गाइस हमें एक डायमंड खोजने की ट्रिक भी पता चली है, तो वो भी ट्राई करके देखेंगे आज क्या वो सही में वर्क करती है या फिर पहली ट्रिक है। खैर मुझे पता नहीं कि अच्छे में वर्क करती है नहीं करती, वैसे देखा तो है मैंने करती हैं। अरे भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा है भाई, सही है जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि अपने पास कोल की भी थोड़ी सी कमी है। ट्रेडिंग कर करके हमने कोल भी ख़त्म कर दिया, सब चीज़ ख़त्म कर दी भाई, तभी तो आर्मर मैक्स हुए ना। अब निकलूँ कैसे मैं, यहाँ से निकलते हैं। चलो 51 भाई 51 कोल हो चुका है अपने पास। और ये देखो भाई क्या है ये भाई साहब, फार्मर्स को भाई ऐसे किया मैंने। रुको दिखाता हूँ, यहाँ से अपने अपनी विलेजर्स हैं सभी अपने, और ये बेचारा अभी ऐसे ही है गोला निकला। ये सभी मैक्स करेंगे जल्दी ही, इसको भी हमने मैक्स कर दिया। ये हमें पेंटिंग्स वगैरह देना था। और ये देखो भाई पेंटिंग भाई क्या मस्त लग रही है, देखो जरा दूर से दिख नहीं रही थी तो। ओके यहाँ पर सब हमने कलेक्ट कर लिया है, और अब देखो भाई क्या मस्त लुक आ रही है। अरे हट जाओ रे सामने से, ये नहीं हटेंगे भाई, छोड़ो इनको। नीचे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैंने जितने फ्लेचर्स थे भाई उन सबको मैक्स कर दिया। अरे ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये देखो ये वाला अनब्रेकिंग 2 दे रहा है, ये वाला पावर 2 दे रहा है। ठीक है अभी दिखाता हूँ एक चीज आपको, इसे किया ये भी ये पावर 1 दे रहा है। ठीक है मैंने ये सोच के किया था भाई कुछ और देंगे, इन्फिनिटी लगा के देंगे भाई, हर कोई पावर 2 अनब्रेकिंग 1 ये पहला वाला ही है। और एक हो रहा ये भी पावर 2 दे रहा है, ये तो क्लैरिक है। अरे अबे अभी तो नोवाइस था, एक सेकेंड, अबे एक और है, अबे ये क्या हो रहा है अबे एक ही ब्रूइंग स्टैंड है मेरे पास तो अबे यार यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है भाई। ये वाला मेंडिंग वाला है हमारा, इसे भी हम जल्दी है फुल अपग्रेड करेंगे। ये प्रोटेक्शन 3 वाला, और ये तो पूरा अपग्रेड है ही, जो फ्लेम लूटिंग 1 और लॉयल्टी 3 दे रहा है। लॉयल्टी 3 के लिए हमको चाहिए ट्राइडेंट, तो हमारे पास है नहीं वो। और मैंने क्या क्या मैक्स कर दिया था, हाँ अपने वो मेसन भाई, मेसन किधर है, मेसन वेयर आर माई मेसन्स, काले कपड़े वाले किधर है तू। और भाई मैंने इसको पूरा कर दिया, स्टोन्स दिए, आर्सेनाइट दिया, इससे चिजल स्टोन लिया। और यहाँ पर ये हमको लास्ट में देता है क्वार्ट्स मिला, और क्वार्ट्स ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स, और मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें भाई जो नेदर में क्वार्ट्स स्टोन मिलते हैं उससे बनते हैं भाई, ये जो मेरे को ध्यान है जहाँ तक पता है। ऐसा ही मेरे को सेम वाला दे रहा है, लेकिन वो टेराकोटा एक अलग तरह का भी दे रहा है। किधर एक और ये रहा भाई रेड ग्लेज टेराकोटा दे रहा है, और ये भी साथ में क्वार्ट्स पिलर और ब्लॉक क्वार्ट्स दे रहा है, और ये ब्राउन टेराकोटा दे रहा है। तो ऐसे सही है भाई, 3-4 को और बना लूँगा, हर तरह के टेराकोटाज हमारे पास हो जाएंगे, ठीक रहेगा। और हाँ अपने पास है एक भाई, ये देखो सिल्क टच और एफिशिएंसी 3 वाली डायमंड पिकैक्स, और अनब्रेकिंग एफिशिएंसी 3 और सिल्क टच वाली डायमंड पिकैक्स। ठीक है ये सब इन्हीं से मिले हैं भाई, जब मेरे को अच्छा लगता है तो मैं इसे उठा लेता हूँ। ये सब चीज़ें हैं अपने, और ये सब मैंने फार्मर से किया है। इससे क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं, पता करके देखो। इसे पी सकते हैं क्या, ओके क्या हुआ ये, इसमें रखूं, इसको इसी में रख देते हैं। हुआ क्या वैसे, नीला नीला सा क्या निकला था अभी, अबे चीजल स्टोन तो स्टोनलेस से बन जाता है क्या, आई डोंट नो भाई छोड़ो। और ये मैंने भाई इसलिए ली थी, पहली बात तो एक पर तो ऑफर चल रहा था, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं वाटरमेलन ऐसे तोड़ता हूँ तो भाई मेरे को पूरा मिलता है, और वैसे तोड़ता हूँ तो मेरे को मिलती हैं सिर्फ 3 स्लाइस। ऐसा कि आपको दिखाता हूँ, ये देखो 5 स्लाइस मिली हैं, और उससे सिर्फ 9 स्लाइस से एक बनता, तो भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान टाइप होता है। तो हमने यहाँ पर ये सब तोड़ लिए हैं। अरे शुगर केन क्यों टूट गई भाई, तू लग जा। काफी फायदा सिल्क टच का यहाँ पर। और मैंने भाई ये बहुत सारे मतलब पूरा टाइम से पूरा जो है मैंने वो रखा है, और सिर्फ थोड़े से ही यहाँ पर हमारे निकलते हैं। मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों होता है, बट हाँ ऐसा ही होता है। अभी मैं देखना पीछे देखना, मैं पूरा साफ करके जाऊंगा ना, तुरंत एक ना एक कोई मिलेगा। बिल्कुल बेहतरीन एकदम। इसे तोड़ते हैं, इसे तोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल हो चुके हैं 34 और यहाँ पर हो चुके हैं 28, और 4 में हमको एक मिलता है भाई एमरल्ड। हट जाओ यार। तो ये तो फिलहाल सो गए हैं, ये उठा हुआ है, लेकिन ये 9 बाइस वाला है, ये भी इससे हमें चाहिए नहीं। यहाँ पर सब सो गए पहली बात, तो हम भी सो ही जाते हैं अगर इसे लेने लोग। भाई तादाद देखो भाई साहब, सारे बेड फुल हैं, मैं क्या सोऊं? मैं सो जाते भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा, इनकी तादाद ऑटोमेटिक बढ़ रही है अपने आप। ये देखो भाई, यहाँ पर मैंने ये लालटेन वगैरह लगा दी क्योंकि यहाँ पर स्पाइडर स्पॉन हो गई थी तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी। इतने सारे लैक्टन्स हैं हमारे पास, ब्लैचिंग टेबल वगैरह हैं, ये सारे क्या बोलते हैं इनको, स्मिथ क्या है जो भी है भाई वो बोलते हैं, स्मिथिंग टेबल। हाँ स्मिथिंग टेबल बोलते हैं। तो अपने को आज बनाना है, यहाँ पर मैं इसको रखा देता हूँ। कहाँ गई चेहरी? ओ फॉर्चून 1 है इसमें यार, कहाँ है रही? तो फिर मैं इससे वो भी नहीं तोड़ने गया भाई, गोल ज़्यादा मिलते। चलो कोई बात नहीं, अपने पास भाई क्या लकड़ी नहीं है मेरे पास। यहाँ पर मैंने रखा देता हूँ। मेरे पास भाई जितने भी वो था भाई मैंने पेपर बना दिया, ऊपर जितना भी था, नीचे भी बहुत पड़ा है, ऊपर जितना भी था वो बना दिया। मेरे कदरा लकड़ी, मेरी हमारी लकड़ी, इससे हम लोग बनाते हैं अपने लैंक्स और बनाते हैं स्टिक्स। इधर आ जाओ, थोड़े से और आ जाओ। 36 मेरे पास रहेंगे, अब बनाते हैं हमें ये जितनी मैक्सिमम हो सके। 32 और 64 यहाँ पर बन चुके हैं, तो जल्दी देखते हैं इतने सफिशिएंट रहेंगे या फिर हमको और बनाने पड़ेंगे। जल्दी यार भाई बंद हो जाओ, लेट्स गो। तो यहाँ पर हमको ये बनाना है, यहाँ बनाते हैं थोड़ा। अरे भाई ये भी साफ नहीं हुआ अभी। ओके तो यहाँ पर हमने एरिया क्लीन कर दिया है, यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे मैं फ़िलहाल के लिए इतना भर देता हूँ ताकि कोई बाहर ना निकले। अरे अंदर क्यों लग गया भाई? ओके यहाँ पर इतना काफ़ी रहेगा, लगाना है तो यहाँ लग जाओ। तो यहाँ पर हम लगाना स्टार्ट करते हैं इसको। हमें उसके लिए डोर भी बना के लाने पड़ेंगे, तो वो हम लगा लेंगे, बाद में ले आएंगे, है ना, बाद में ले आएंगे भाई, क्या हो गया। तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। 3 4 5 मुझे लगता नहीं भाई इतने सफिशिएंट रहेंगे। ओके तो मेरे को जाकर लेके आनी पड़ेगी डर्ट, यहीं से तोड़ लेते हैं फिलहाल। पास इतना हो गया, लेकिन लाना पड़ेगा भाई, काफ़ी चीज़ें नहीं है अपने पास। डर्ट भी चाहिए और ये भी चाहिए, फैंसेस भी। थैंक यू दरवाज़ा खोलने के लिए। हाँ तो ओक फैंसेस बनेंगे यार। शिट भाई, 4 गेट बना लो, बाकी जितने फैंसेस बनने ओक बना लो। और अरे सॉरी भाई, तुम अपने बच्चे से बात करो यार। सॉरी अरे भाई क्या हो रहा है यार? सॉरी दोस्त, कंटिन्यू कैरी ऑन। भाई आराम से यार, यू आर नॉट अ प्रो पराग, ठीक है। चलो इतना हो गया है। मेरे ख्याल से यहाँ आए, मैं परेशान हूँ भाई, इतना एरिया बहुत रहेगा। इसे काट देते हैं। ओके ये लग गया यहाँ पे। अब निकाल कर लाते हैं यहाँ से। आजा रे आजा रे आजा रे। अरे तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो जाएगा यार। हाँ गिर गया। अरे अभी कहाँ सफिशिएंट हो जाएगा, अभी तो बीच में भी बनाना है ना। जल्दी से स्टार्ट को फिल कर देते हैं। ओके तो ये भर चुका है। इसमें अपन डालने वाले हैं मुर्गियाँ। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इतना काफी रहेगा। यहाँ चलो गो भाई, ये नहीं टूटेगा यार। 1 2 3 4 5 6 5 बचे हैं भाई। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा यार मुर्गियों के लिए। और नहीं होगा तो यार एक तरफ से और एक्सटेंड कर देंगे। क्या हो गया? हाँ भाई। अरे 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 भाई 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 भाई। सो यहाँ पर अपना एक तो जगह तैयार हो गया, एक के लिए तो हो गया भाई। किधर गया? अच्छा यार। अच्छा 1 2 3 4 5 6 सेम हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। गलत लगा दिया, अब ये मुझे लगाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हाइब्रिड कर दिया। अरे यार अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ? वन 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये बन चुका है अपना। और अब मुझे इसे यहाँ से तोड़ना पड़ेगा ताकि हम लोग यहाँ पर अपना एक फेंस गेट लगा सकें, जिससे कि सब लोग अंदर ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा। उनके चाचा का घर नहीं है, हमारा तारों का शहर है, ठीक है? कोई इसका तारे नहीं तोड़ेगा, ठीक है? यहाँ लग गया ये भी और 1 2 3 4 5। तो इसे एक उधर खिसकाना पड़ेगा, तो मतलब क्या है, इसका पूरा तोड़ना पड़ेगा। वेरी नाइस। इसे तोड़ते हैं, यहाँ पर एक गेट लग जाएगा। और अब इसका काम शुरू करो। ओके तो हमने सब चीज़ तोड़ ली है ये, और इधर एक ये। कम ऑन ब्रोई। डन डन डन। भाई तू खाना खा पहले यार। भाई तेरा पेट नहीं है भाई, कुआ है कुआ। भाई तू खाना खा ले। एक खोलते हैं। यहाँ पर 4 लग रहे हैं ना, मेरे पास 2 हैं। चलो 2 ही लगा देते हैं, थोड़ी बहुत तो टीम मैच होगी। पीछे से कौन देखने आ रहा भाई? है कौन देखने आ रहा? 2 ही तो लग रहे हैं। चलो हाँ भाई, तुम्हारे लिए नहीं है ये, ठीक है? तुम्हारे लिए बाद में बनेगा अंदर। तो यहाँ पर ये बन चुका पूरा। और यहाँ पर अब एक रास्ता हमें क्रिएट करना। इन लोगों के लिए रास्ता खोदा था यार ये। ना यही आया इस रास्ते से ना ही कुछ काम आया इसको। चलो खोली भर देता हूँ। ओके तो यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब मेरे को इन लोगों को इसमें लाना है, ठीक है? यहाँ पर मेरे को इन लोगों के लिए भी बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पर हमने वो ट्रेडर से चुरा लिए थे। ट्रेडर से चुरा लिए थे। कुछ नहीं करना होता भाई, बोट में बिठा दो इन्हें सीधा। और दोनों को बिठाना, लेकिन एक को नहीं बिठाना, नहीं तो ये भाई आते ही नहीं भाई, अलग नखरे इनके। अब मेरे को क्या चाहिए? वो है मेरे पास, मेरे को चाहिए थोड़ा सा विच सीड्स हैं हमारे पास। वैसे मैंने 4 बनाए थे। 4 किस लिए बनाए थे भाई? हाँ चेपेक्स भी लाने। ओके सो गाइस हम लोग पूरी तरह सेट है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 ही गाय है भाई। इनका कुछ करना पड़ेगा यार, इन्हें सही टाइम पर अंदर ही पहुँचाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ। जा भाई तू निकल ले, तू काम नहीं करता कुछ भी, मेरे को करने दे। यहाँ पर हम लोग उठ चुके हैं। हट जा भाई, बहुत काम है अपने को। अरे अरे सर, इन गायों को बुलाओ। आ जाओ भाई। वो चौथी तुम भी आ जाओ भाई। नंबर 4 है बस, चार नंबर की चार, क्या बोल रहा हूँ, गिनती की चार बोलते हैं भाई। अरे बाहर आइए, मैं बुलाऊं इनके लिए, हम अंदर ले लेते हैं भाई। तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा, आ जाओ भाई। कम इन वन करके एक एक करके आओ, एक एक करके आओ। दो फंस गई। अरे फंस क्यों गई भाई, अब आओ ना। गेट बंद कर दो और इन्हें फीड करा दो, फीड करा देते हैं। दो और आ जाएंगे यहाँ पर। चल भाई बहुत खाली, बंद कर दो इसको। तो यहाँ पर इनका बन चुका है अपना, और अब खिलानी है मुर्गियाँ। तो मुर्गियों को लाने के लिए हमें दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, उससे शीप्स भी बाहर आएंगी, तो कोई बात नहीं, चलो खोल देते हैं। मुर्गियाँ, हेलो मुर्गियाँ आ जाओ भाई। भाई मुर्गियों की तादाद देखो यार, भाई घेर लिया मेरे को। तो चलो आक्रमण, तुम्हें बाद में आक्रमण करना है क्या? कम विद मी। अरे मेरे बिल्ली को खा जा रहा भाई। कम विद मी भाई, ये सही है, यूं ही आ जाती है सब। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब इन कुछों को खाना खिला देते हैं। तो ये बढ़ा लेंगे अपनी जनसंख्या थोड़ी, तो बंद हो जा। अब वहाँ जितनी मुर्गियाँ हैं, अब इन सबका काम खत्म, जितनी भी बची हैं। अब ये तुम क्यों नहीं गए वहाँ, क्यों नहीं गए? आजा। अरे आ नहीं रही भाई, अरे ये देख वेट भाई, क्या है सब इनका भाई साहब, वेट खोलते सीधे बाहर। अरे तू क्यों आ गया भाई, बंद रहे, आना हो तो आजा। हाँ जाना है, अरे बड़े पागल लोग हैं भाई, मैं तुम्हारे घूमने की जगह नहीं है। सब शीप्स को बुला लेते हैं हम यहाँ पर, आ जाओ सब लोग बाहर आ जाओ। तो वहाँ से ही बुला कर लाते हैं। हेलो शीप्स, सभी लोग आ जाओ जल्दी से, पार्टी होने वाली है। किधर है रास्ता भाई जाने का? इधर। अरे एक एक करके आओ भाई। हाँ तू घुस ले पहले भाई, तू घुस जा पागल आदमी। अरे हट जाओ, आने दो भाई उनको। चलो पहले इन लोगों को लेके चलते हैं। आ जाओ सब लोग भाई, इनका तो अलग ही हिसाब है। आओ सब लोग। अरे दिख रहा है, ये दिख रहा है, आजा। ये क्या लग गया? अबे यार इसको तोड़ता हूँ और इसको भी तोड़ता हूँ। अब वीट निकालते हैं और जितने भी यहाँ लोग हैं सबको बुलाते हैं, आइए आपकी दावत है। आ जाओ सब लोग। भाई कितना मुश्किल है इन्हें लाना। आजा। अंदर। ओके डन। हो गया। हाँ तुम्हारा हिसाब करना है। लो ये जितने भी लोग हैं इनका हिसाब करना पड़ेगा। वैसे मैं आराम से कर लूंगा, इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि ये भाई इनका ये जो भी चीज है ये सब आराम से ट्रेड हो जाता है। रुक जा, अबे ले भाई, निशान नहीं लग रहा बताओ। तो इन्होंने अपना अड्डा बना लिया ऐसे, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पर मैं साफ करके गया था भाई, फिर से इतने सारे हो गए। बीज मैंने कब के बोए भाई, तब से होते जा रहे हैं, पता नहीं कुछ गिरचा क्या है, पता नहीं है कुछ भी। 15 फेदर्स हो गए। अब ये वाले ब्रीड तो करा देता हूं। लो लो लो, थोड़ा सा गांव को भी खिला देते हैं अगर खाएं तो। हेलो हमारे थोड़ा और लाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हम इनको रखा देते हैं, और चिकन को भी रखा दो, फेदर्स को भी रखा दो, और ये अंडे भी रखा दो। फेंक के आएंगे इसी दिन को एक साथ, कुछ काम तो होता नहीं इनका। हड्डियाँ भी रखा दो। हाँ तो अपने को क्या बचा? हाँ और भाई हमें जाना है वो ढूंढने, क्या बोलते हैं उसको, तो फॉर्चून 1 वाली मैं लेकर जाऊँगा। साथ ही में एक पिकेक्स और शवल उनके साथ रखेंगे। पहले से जल्दी से पहले खाना एंड लेट्स गो। और गाइस जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल को, जल्दी जल्दी से चक्कर सब्सक्राइब कर दो। और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, क्या सोच रहे हो भाई, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। ओके तो यहाँ पर ये सेंटर पैच जो है ब्लॉक है इसका, वो कुछ ये वाला लग रहा है मेरे को। तो मैं इस तो ये वाली चीज़ें मेरे को खोदनी होंगी। यहाँ पर काफ़ी सारी किले हैं जो कि हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ओके तो ये पत्थर आ गया है। हमें यहाँ पर बहुत संभल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो सांस नहीं आएगी हमें, ऊपर से नीचे लावा भी आ सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर थोड़ी हमें राहत मिलेगी। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पर फिर से हम माइनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी। और यहाँ पर थोड़ा होते हैं, यहाँ फिर आते हैं, इसको फिर लगाते हैं। और एक काम करता हूँ मैं, इसको इसमें रख लेता हूँ ताकि बार बार प्रॉब्लम ना हो। भैया इधर क्यों आ रहा पानी? हेलो भाई, भैया आर यू कमिंग हियर? भाई कितना टाइम लग रहा भाई? अरे यार इधर क्यों आ रहा है पानी, में समझ भी नहीं आया। ओके तो यहाँ पर हमने पानी बंद कर दिया भाई, पानी का फ्लो। और मैं थोड़ा देख के जाने वाला हूँ। लावा की आवाज़ आ रही है मेरे को। हाँ क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे, इधर देखते हैं भाई 41। हमें काफ़ी नीचे तक गाइस डिक करते जाना। वो एक सेकंड कुछ तो मिला, अच्छा खोल इधर। भाई बस लावा ना आ जाए कहीं से भाई, यही परेशानी है बस। भाई कितनी फास्ट तोड़ रही है पिकैक्स। और कहाँ कहाँ है भाई ये, कहाँ कहाँ भर रहा है। ओके तो इसे यहाँ लगा दो। और हम किधर से कौन जा रहे थे? उधर होते हुए हमारे थे। ओ भाई ओहो भाई सही है भाई, सीरियसली भाई मजा आ गया, साथ में खोल भी है। भाई गजब ही हो गया यार ये तो। भाई ये सही में वर्क किया भाई। कितने हैं भाई मेरे पास? देखते हैं, ये पूरा मैं खोदता रहता हूँ। ओके तो यहाँ पर 4 ब्लॉक्स मेरे को दिख रहे हैं। हो पहली बार मैं डायमंड माइन करने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ओके, तो मेरे पास हो गए 60 डायमंड्स। भाई भाई 60 डायमंड्स मिल गए फॉर्च्यून 1 वाली पिकैक्स से। भाई कितने तोड़े थे? 5 तोड़े भाई, 2 एक्स्ट्रा मिले। और हाँ, आप एक बात और बता दूँ, यहाँ पर आपको एडवांसमेंट इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि जब मैं वो शबल वाला था जो लैंड क्लियर कर रहा था तो उसमें मैं मतलब एक बार मेरा डायमंड पे क्यू पर दब गया था, मतलब डायमंड पैरो था तो क्यू पर दब गया था, मैं तो एक बार चेक कर रहा था क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसलिए तो वो मेरे से कलेक्ट हो गया और वहाँ पे फिर वो एडवांसमेंट वहाँ पूरी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर कर लिया है अब। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, मैं ऊपर कैसे जाऊँ? मैं ऊपर कैसे जाऊँगा भाई? 60 डायमंड्स हमारे पास, वाटर बकेट है हमारे पास। लेट्स गो। ओके लेट्स सी। ओके, तो इस तरह से हमें कुछ ऊपर जाना है और ये ट्रिक भाई सही में वर्क करती है भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। अरे क्या हुआ? यहाँ पर हमारे इधर ओके इधर आ गए हम लोग। हाय हाय हाय, बचे 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 बचे। क्या ऊपर आ रहे हो? हाँ, तो मेरे को यहाँ पे ये एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। यस, लग चुका है, एक और लग गया और अब मुझे सिर्फ इसको हटाना है। टन, मैं यहाँ से अपने पानी की बाल्टी भर ली है और अब हम सीधा ऊपर। बूम! और रात हो रही है। है बे तू फुल्ली एन्चेंटेड कैसा घूम रहा है? अबे कौन है? ओ, मैं कह रहा है किस तरह से आया भाई क्रीपर तेरी ऐसी तैसी। भाई देख रहे हो निशाना, गजब निशाना हो गया भाई। और भाई एक्सपी देखो यार, एक्सपी देखो, 69 एक्सपी है हमारी। किसी की देखिए कभी इतनी एक्सपी? अच्छा देखी तो होगी, मैंने तो पहली बार देखी, लेकिन बहुत ही गजब चीज। और भाई साहब हमारे पास है 60 डायमंड्स। यस, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी वेरी फर्स्ट टाइम हमारे पास डायमंड्स हमने माइन कर लिए हैं। और मुझे कोई कमेंट में बताओ यार, किसी को पता हो कि हम एन्चेंटमेंट टेबल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सपी भी है और लेपेजली भी है और जल्दी ही हम लोग टूल्स भी ले लेंगे इनसे, विलेजर से। तो हम लोग को भाई वो चाहिए ना फिर एन्चेंटमेंट चाहिए भाई अपने टूल्स पे। कब तक मैं ये आयरन का पेंटे बोलूँगा, है ना? तो साथ मेरे पास डायमंड्स हैं, उनसे हम लोग चेस्ट में तो नहीं बना सकते, चेस्ट में ले लेंगे, कोई बात नहीं, सब चीज़ ले लेंगे भाई। 60 डायमंड्स क्यों वेस्ट होंगे अपने पास? तो बताओ भाई कमेंट में जल्दी से। और जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, है जल्दी 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 ठोक दो, नहीं तो ये दिख रहा है ए मुँह पर पड़ेगा, ठीक है? ये मुँह पर पड़ेगा ऐसा करके। कहाँ गया? ओ, एक तीर खो गया मेरा, कोई बात नहीं। अरे मैं फंस गया। अरे भाई 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 भाई। ओके सो गाइस, इस वीडियो में यहीं तक हम रखते हैं। कैसी लगी आपको ये ट्रिक बताना जल्दी से कमेंट्स में, और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।